दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जो आपने पढ़ा टाइटल वो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रॉकस्टेडी कर सकता है इस E3 पे अनाउंसमेंट एक सुपरमैन गेम की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या प्रूफ है मेरे पास, तो लेट्स सी। तो दोस्तों, बहुत टाइम से सिर्फ बैटमैन के ऊपर गेम्स बनती आ रही हैं। रॉकस्टेडी एक ऐसा स्टूडियो है, अगर आप नहीं जानते रॉकस्टेडी स्टूडियो के बारे में तो मैं बता दूं, अगर आपने नाम सुना है बैटमैन आर्कम सिटी, आर्कम असाइलम और आर्कम नाइट का, तो ये तीनों गेम्स बनाई हैं रॉकस्टेडी ने और बहुत ही एपिक गेम्स हैं। अगर आपने गेम प्ले नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बट ये गेम्स जो हैं टोटली बेस्ड हैं बैटमैन के ऊपर, बैटमैन की स्टोरी लाइन के ऊपर। अब इतने टाइम से, जब से लास्ट अब बैटमैन आर्कम नाइट आई है, उसके बाद से रॉकस्टेडी ने कोई भी नई गेम की डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की है। लोग यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि रॉकस्टेडी या तो फिर नई बैटमैन गेम बनाएंगे या फिर डीसी कॉमिक्स के किसी और करेक्टर को उठा के कोई गेम बनाएंगे। और अब ये स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा सुपरमैन की तरफ इसलिए हो गई हैं क्योंकि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है ट्वीट गैस रॉकस्टेडी से, जो कि एक रॉकस्टेडी टीम का मेंबर है, और इन्होंने लिखा है, बी पेशेंट फैंस, आई नो वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ बट व्हेन वी डू पीपल आर गोइंग टू लूज देयर माइंड्स, कांट वेट। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट है 28 सितंबर 2017 का, और इस चीज को लोगों ने बहुत सीरियसली लिया था और उनको पता था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि अगर किसी और करेक्टर के ऊपर, किसी और डीसी करेक्टर के ऊपर रॉकस्टेडी गेम बनाता भी है, जैसे कि एरो या फिर ग्रीन लैंटर्न या फ्लैश, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती कि रॉकस्टेडी उसको छुपा के रखे, क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम होने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि रॉकस्टेडी हमेशा से ओपन वर्ल्ड गेम बनाता आ रहा है, तो सुपरमैन गेम भी ओपन वर्ल्ड गेम होगी और आपको ऐसे सुपरमैन खेलने का मौका मिलेगा, उड़ने का मौका मिलेगा। और कह तो ये भी रहे हैं लोग, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो आर्कम नाइट में आर्कम सिटी दिखाई हुई है उससे 3 times बिगर सिटी होगी मेट्रोपोलिस, जो कि सुपरमैन का शहर है जहाँ पे वो रहता है, तो वो 3 गुना बड़ा शहर बनाया जाएगा इस गेम में, तो देखने में बहुत ही औसम होगा। लेकिन उसी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और नई ट्वीट, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गैस नहीं फैंस, आई नो अ लॉट ऑफ यू वर होपिंग फॉर अनाउंसमेंट एट द गेम अवार्ड्स, जो कि नहीं हुआ था लास्ट नाइट, समटाइम्स वी जस्ट हैव टू कीप आर माउथ शट फॉर अ वाइल, वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट आर नेक्स्ट प्रोजेक्ट येट, स्टे शार्प, वी विल टॉक व्हेन वी आर रेडी। और ये है 8 दिसंबर 2017, उसके कुछ महीने बाद का ट्वीट। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, और ऊपर से ये ट्वीट भी आया था रॉकस्टेडी स्टूडियोज़ की तरफ से, ये फोटो शेयर हुई थी जिसमें मोशन कैप्चर करती हुई एक उनकी टीम दिखाई गई है, और थोड़ा एंगल भी इस तरह का बनाया हुआ है कि सुपरमैन टाइप का एंगल है उस बंदे का जो आप देख रहे हैं। तो गाइज, फिंगर्स क्रॉस, मैं तो चाहता हूँ कि सुपरमैन गेम रिवील हो इस E3 पे और प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों पे आए। तो मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता होगा, जिनको पता होगा शायद उन्होंने उनको लग रहा होगा कि पता नहीं ये सच है या नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा हाइप हूँ क्योंकि रॉकस्टेडी एक ऐसा स्टूडियो है, एक अकेला ऐसा स्टूडियो है जो ये काम करने के लायक है, क्योंकि उनकी टीम ने ये पहले भी करके दिखाया है बैटमैन के साथ और वो फिर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस E3 पे, स्टे ट्यून्ड, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड यही मिलेगी। टेक केयर, बाय।